दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, बट मेरे को यूट्यूब से वार्निंग आ गई थी क्योंकि मैंने इस चीज़ का नाम ले लिया था। तो मैंने पूरी वीडियो से इस चीज़ का नाम कट कर रखा है, तो आप लोग समझ जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जो इस वक्त चल रहा है या फिर इस देश में जो हो रहा है, जिसका नाम है चाइना, सोच के ही दिल में दहशत हो जाती है। आखिर इंसान इन एलिट्स के लिए है तो है क्या? ये फुटेजेस जो सामने आते जा रही हैं आम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, ऐसा बर्ताव अक्सर हम लैब रैट्स के साथ देखते हुए आए थे, पर अचानक ये सब क्या हो रहा है? बस कुछ लोगों के मोटिव्स को पूरा करने के लिए ऐसा हो रहा है क्या? दुनिया उथल पुथल हुए जा रही है 2020 के बाद से। इतनी मेहनत, इतने पनीर टिक्का बनाने के लिए इतना खर्चा, सरकार कितना सोचती है ना हम लोगों के लिए, है ना? तभी तो दोस्तों ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है पनीर टिक्का खाने के बाद। और खासकर हमारी प्यारी मीडिया, उनका तो कुछ जवाब ही नहीं, हर एक रिपोर्ट के आगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लिख देती है, हर एक एक्सपर्ट्स की बातों को गलत बोल देती है। कितना सही है ना, ये ऐसे ही होगा तभी तो इंसानों का विकास होगा, या फिर इनके मोटिव्स का विकास। ये क्या है जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है? ईजी, इसका क्या यूज होता है हम सबको पता ही है। अब एक आम आदमी अगर इसके बारे में गूगल में सर्च करेगा तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स का डेटा ही तो आना चाहिए टॉप में, वही तो आना चाहिए ना, क्योंकि टीवी मीडिया भी एक्सपर्ट्स ही तो चलाती है। या फिर कुछ होल है इसमें थोड़ा, ऐसा तो नहीं है? पूरी फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्रीज ये लोग कंट्रोल करते हैं जो पनीर टिक्का के बिगेस्ट फंडर एंड प्रमोटर हैं। इंटरेस्टिंग। सो मैं बता देता हूं, वैसे मेरे व्यूअर्स को पता ही होगा, पूरा फैक्ट चेकिंग नेटवर्क सर्टिफाइड होता है पॉइंटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, और पॉइंटर इंस्टीट्यूट के बिगेस्ट फंडर्स एंड प्रमोटर हैं ब्लैक एंड जॉर्ज सोरोस, जो पनीर टिक्का के भी हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है जो कि आप जरूर देखें, पर इस वीडियो के खत्म होने के बाद। मैंने ओपन का नाम लिया था, हाँ क्यों, इसमें क्या खराबी है? टीवी मीडिया आपको रोज दिखाती है, जो आपको पता ही होगा के फायदे, हमारी सच्ची सरकार को प्रमोट करती है, और जो नहीं पहनेगा उसके पड़ेंगे डंडे। तो इसमें खराबी कहां से हो सकती है? वो कॉन्स्पिरेसी में विश्वास रखते होंगे। चलो एक बार देख ही लेते हैं। बस ये खराबी है, इंसानों के फेफड़े यानी कि लंग्स में प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं लंग टिश्यूज में, और जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। देखा हमारी प्यारी मीडिया और सरकार कितना ध्यान रखती है हमारा, तभी तो ये बात छुपा दी। इससे पहले लोग इस बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोले, उन सभी भैया और दीदी को मैं बता देता हूँ, ये स्टडी की गई है टॉप लेवल साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि हल यॉर्क मेडिकल स्कूल यूके की है, जो कि पब्लिश हुई है 29 मार्च 2022 को। जो माइक्रोप्लास्टिक में होते हैं, सेम माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन लंग्स में पाए जा रहे हैं, और 13 में से 11 पेशेंट्स के पाए गए जो सर्जरी में जा रहे थे। इस स्टडी का लिंक टीम लाइफस्टाइल के टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये नील जो आप दिनचर्या में पहनते ही होंगे, ये किससे बना होता है एक बार देखते हैं। पॉलिस्टरीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथिलीन और पॉलिएस्टर, इनमें से एक से। और ये सारे फैब्रिक सेम होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से डिराइव होते हैं। अब ये कैसे प्रूव हो सकते हैं कि से ही आया है लंग्स में प्लास्टिक? जरूर कुछ तो गलत बोल ही रहूंगा ना मैं, भला क्यों बाइडन और मोदी झूठ बोलेंगे? चलो देख ही लेते हैं एक बार फिर भी कैसे अब वाला प्लास्टिक ही फेफड़े में पाया जा रहा है। इस साइंटिफिक स्टडी ने बताया, द प्लास्टिक डस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक डर्बीज कंप्राइज द सेम प्लास्टिक्स यूज टू मैन्युफैक्चर द यूबीक्यूटस वॉर्न बाय हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट टू हॉल्ड दिस डिप्रेशन की बीमारी। यानी कि जो माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स और प्लास्टिक डस्ट पाई गई है लंग्स में इन पेशेंट्स के, वो सेम वही वाली है जो पाई जाती है, जो हमारी महान सरकार रिकमेंड करती है हम सबको पहनने के लिए, सेम वही वाला। पूरी डिटेल्ड स्टडी का लिंक जैसे कि मैंने कहा है पोस्ट कर दिया जाएगा टीम लाइफस्टाइल के टेलीग्राम ग्रुप में, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लोग जो शंघाई शहर में है इस पहनने के लिए मना कर रहे हैं, तो इनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं। बस क्या करना है हम सबको।
अपने दिमाग, थॉट्स, मन एकदम रिलैक्स कर देना है और आग बंद करके गहराई से सांस लेनी है और सोचना है, अगर सच्ची में ये लोग जो पनीर टिक्का बेचते हैं गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं, मीडिया कंट्रोल करते हैं अपने परसेप्शंस को सही प्रूफ करने के लिए, दुनिया में लाखों डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पॉइंट जो कि फैक्चुअल हैं, जो हर दिन आगे आ रहे हैं, उन्हें कॉन्स्पिरेसी बोल देते हैं, उसी के साथ इतने सारे एलीट्स की जान दिन रात जा रही है खेलते हुए, इतने मिसकैरेजेस हो रहे हैं पनीर टीके के बाद, ऐसे चार्ट्स में नंबर्स ऊपर जा रहे हैं पैरालिसिस के, फिर भी क्यों आज तक ये नैरेटिव जो पूरा फैक्चुअल है, जिसका पूरा डेटा अवेलेबल है, वो छुपा दिया जा रहा है? बस ये सोचना है, उसके बाद आंसर आपको खुद मिलने लगेगा। हमारी विल हमारी नहीं होगी, हमारी इच्छा हमारी नहीं होगी, हमारे डीएनए ओन करेंगे एलीट्स, ऐसा उन्होंने ओपन में आके कह रखा है। और अभी भी जिसको लगता है ये सब झूठ है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से और डॉक्टर येल्लो की जनता की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।